बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हमीद ख़ान। आज हमारा पीरियड है इंग्लिश का। इंग्लिश में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब हमने आपको क्लियर किया था। आज हमारा जो लेसन है वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट वो ज़माना जो गुज़रा, गुज़र गया हो, यानी पहले माजी। तो इसमें उर्दू में इसकी निशानियाँ है ता ता, ते ते या ती थी, यानी वो खाना खाते थे या वो स्कूल जाते थे, वो बाज़ार जाते थे, वो ख़त लिखते थे। तो इसकी जो रूल्स या कवानीन है उसमें है ही, शी, एट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर और प्लूरल, सब के साथ जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें हम आपको अभी कुछ सेंटेंसेस बना के देते हैं। ये भी हमने फोर सेंटेंसेस जो है बोर्ड पे लिखे हैं, ये पास्ट सिंपल टेंस के हैं, यानी वी, दे वेंट टू स्कूल, हम या वो स्कूल जाते थे। तो इसमें ये वर्ब जो है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, ब्रोक द टॉयज, ब्रेक तो दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ब्रोक तोड़ना, वो खिलौने तोड़ती थी। आई, वी, यू, दे, एट मैंगोस, ईट, ईट का सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब है एट, ईट, एट, और थर्ड जो है वो है ईटन। तो ये है आई, यू, एट मैंगोस या बनानास जो भी है। यहाँ पे है सिंगल सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट दोनों। ये है केट, केट्स, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स। क्लाइम्ड एंड ट्री, ये क्लाइम है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ हुआ है, क्लाइम्ड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड ट्रीज, बिल्ली या बिल्लियाँ दरख्त पे चढ़ती थी। अब हम इससे नेगेटिव, इन जुमलों को नेगेटिव में और फिर इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव है नफ़ी में और फिर सवालिया में। तो यहाँ पे होगा, ये हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे होगा वी, दे, तो इसमें होगा डिड नॉट, यानी डू का जो है सेकंड फॉर्म है डिड, डिड नॉट, डिड नॉट वेंट टू स्कूल, सॉरी, दे, वी, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ये फॉर्म जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा। इसी तरह ही, शी, तो डिड नॉट, डी आई डी, डिड नॉट, ब्रेक, बी आर ई ए के, ब्रेक द टॉय, ही, शी डिड नॉट ब्रेक द टॉयस, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिड नॉट में, यानी नेगेटिव इंट्रागेटिव में फिर ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। और जो एफर्मेटिव है पास्ट टेंस के एफर्मेटिव, उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। तो आई, यू, डिड नॉट, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है ईट, ई ए टी, ईट, ईट मैंगो। केट, केट्स, डिड नॉट, डी आई डी, डिड नॉट, यहाँ पे होगा क्लाइम, क्लाइम ऑन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा। ये है नेगेटिव। अब हम इसे इंट्रागेटिव बनाते हैं, सवाल या जुमले। तो ये हम रिमूव करेंगे, ये डेड नॉट वाला, डेड नॉट, डेड नॉट और डेड नॉट, ये आ जाएगा गो टू। तो उसमें इस बहुत सिंपल है कि सिर्फ जो डेड है, डेड, उसको यहाँ पे शुरू में लाते हैं, डी आई डी, डेड, यहाँ पे डेड, डी आई डी, डेड, यहाँ पे डी आई डी,
डेड, यहाँ पे डी आई डी डेड, और फिर यह हो जाएगा वी और ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और यहाँ पे सवालिया निशान या साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमने जो कुछ जुमले आपको समझाए हैं पास्ट सिंपल टेंस के, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको जब हम नेगेटिव में ट्रांसफ़र करते हैं या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड नॉट और फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे डिड नॉट, और जब हम इसको इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड को सेंटेंस के शुरू में लाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आया होगा। आप इस पर खुद ही जुमले बनाएं और इसमें वर्ब का इस्तेमाल करें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसको नेगेटिव में इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करें। आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, शुक्रिया।